हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है कि अगर फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में अगर ईआर आ जाता है, क्या फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा या फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोशन मिलेगा। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, और जिनका नहीं आया वो वेट कर लीजिए, आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट आ चुका है और आपके किसी रिजल्ट में अगर आपका ईआर आ गया है, या आप किसी रिजल्ट में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है, किसी रिजल्ट में आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, क्या आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए सिंपल सी बात है, मैं घुमा के नहीं बोलूँगा, यस आपको एडमिशन मिलेगा। अब सबसे बड़ा जो सवाल आपके मन में होगा, सर ये जो ईआर हमारा आया है फोर्थ सेमेस्टर का, इसका एग्ज़ाम कब होगा, री एग्ज़ाम? तो देखिए, अगर आप पेपर दे के आए और पेपर देने के बाद अगर आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पेपर है आपका, ये आपका अगले साल होगा। बट इसके लिए जो आप फॉर्म फिल करोगे ना, ये फॉर्म फिल आप फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन के टाइम ही आप करोगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आता है, सर मेरे रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है। तो आप देखिए, मोस्टली एसएसपी स्टूडेंट है जिनके रिजल्ट में फेल्ड लिखा हुआ है। तो फेल्ड तभी लिखा रहता है जब आप पूरे सेमेस्टर में फेल हो जाते हो। अब कैसे होते हो वो मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया, या थर्ड सेमेस्टर में आप 3 से 4 पेपर में फेल हो गए, और फोर्थ सेमेस्टर में भी आप 3 से 4 पेपर में फेल हो गए, तो ऐसी कंडीशन में वो जो आपका सेमेस्टर होता है, वो पूरा जो ईयर होता है, उसमें आपको फेल कर दिया जाता है, मतलब पूरा सेमेस्टर आपका ख़राब हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में होगा ये, जब आपका एडमिशन फॉर्म आएगा ना, जब भी आपका एडमिशन फॉर्म आएगा, जिनके भी रिजल्ट में फेल्ड लिखा हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनमें ईआर लिखा है उनकी बात नहीं कर रहा। अगर आपका रिजल्ट में फेल्ड लिखा हुआ है, तो यानी आपका पूरे सेमेस्टर में आप फेल हो गए हो, और उस सेमेस्टर को आपको दोबारा से देना पड़ेगा। बट यहाँ भी एक कंडीशन ये लग जाती है कि फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन आपको भी मौका मिलेगा, मतलब प्रमोशन आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि एक नोटिस निकाला गया था दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो एग्ज़ाम नहीं देगा उसको भी फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि आपने चाहे एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, तब भी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपके सब्जेक्ट में किसी भी पेपर में अगर फोर्थ सेमेस्टर में ईआर आ गया है, तो भी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब एडमिशन फॉर्म आएगा, तब एडमिशन फॉर्म में आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी, उसी में आपका ईआर का फॉर्म भी रहेगा इंक्लूड, उसी में आपको टिक करना है, जितने भी सब्जेक्ट में आपकी ईआर है उनका आपको टिक करोगे और अपना पेमेंट पे करोगे, और देन ये जो फोर्थ सेमेस्टर में जो ईआर का पेपर होगा, ये आपका अगले साल सिक्स सेमेस्टर के साथ मई जून में कंडक्ट कराया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में ईआर है, तो ये पेपर आपका फिफ्थ सेमेस्टर यानी दिसंबर में कंडक्ट होगा, ठीक है। तो एडमिशन आपको मिल जाएगा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए, आप अकेले नहीं हो, आप जब भी ऐसे कोई भी परेशानी में फंस जाते हो ना, तो खुद को कभी भी अकेला मत समझो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। सोल के अंदर लाखों से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हो, और 1 लाख से ज़्यादा जब स्टूडेंट पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है, ये एक अकेले की नहीं है, ये समस्या हर स्टूडेंट की होगी, ज़्यादातर अगर जिनकी भी ऐसी कोई समस्या बनी है, मतलब जो औसतन अगर आप एवरेज लगाओगे, तो 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाला जाएगा। तो कभी भी परेशान मत हुआ कीजिए इस चीज़ को लेकर, और हमारी कोशिश यही रहती है हम आपको गाइड करें। और बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, कोई बात नहीं, अगर ईआर आ गया है, अगर आप पेपर अच्छा दे के आए, तो उसके बाद भी बावजूद भी अगर आपको बैग दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। रीवैल्यूएशन की जो फीस है वो 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट है, और इसको आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 से 20 दिन के अंदर आपको कराना होता है। सोल नॉर्थ कैंपस विजिट करके आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। रीवैल्यूएशन तभी करवाना जब आप अपने पेपर को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं पेपर अच्छा करके आया हूँ, वरना आप री एग्ज़ाम भी दे सकते हो। रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो 3 से 4 महीने में डिक्लेयर किया जाता है, लिस्ट वाइज आता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
और गारंटी उसमें भी नहीं होती कि आप पास हो गए या फेल हो गए, ये सब आपके भरोसे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाकी मैंने वीडियो बना दी, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे फिफ्थ सेमेस्टर के मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।